हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोगों को रिवर्स बहुत पसंद आती है, स्पेशली उसके आसपास की जगह। वहाँ इसीलिए यादगार के लिए हम सेल्फीज भी लेते हैं। हमें वो सराउंडिंग्स इसलिए भी पसंद होती है क्योंकि रिवर साइड पानी का शोर और साथ ही साथ चलते पानी की आवाज़ होती है, जो हमें नेचर से जोड़े रखती है, एक अलग सी सेटिस्फेक्शन देती है। इस लॉकडाउन के समय में आइए हम आपको ले चलते हैं एक सुंदर सी नदी के पास, जहाँ हम पानी का शोर, पानी की मूवमेंट सुन सकते हैं। ये है वो सुंदर सी शान सी दिखने वाली जगह जहाँ आप आसपास घूम रहे हैं। तभी आपकी नज़र इस बोर्ड पर जाती है, सावधान, ये रिवर आसपास के घूमने वाले लोगों को अपने अंदर समा लेती है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। इस बात पर यकीन दिलाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि ऐसी जगह है, ऐसी नदी है जो इंसानों को निगल जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोल्टन स्ट्रीट, एक शैतानी नदी। इंग्लैंड में बहने वाली वाफ नदी को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस नदी में गया वो आज तक बाहर नहीं लौट सका और ना कभी उसकी लाश मिली। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये नदी बोल्टन एबे में है। ये 6 फीट चौड़ी है, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। पथरीले रास्ते की वजह से इसके पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। ऐसे में कोई भी इस नदी में जाता वो पानी के साथ बह जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल कि जिसने भी इसको पार करने की कोशिश में पानी में छलांग लगाई, वो कभी लौटकर क्यों नहीं आ पाया? क्या कारण है जो ये इतनी खतरनाक है? दोस्तों, आइए जानते हैं पहले कि कौन वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ये बोल्टन स्ट्रीट में अपने आखिरी पल गुजारे। 1998 में इस जगह में एक कपल था जो काफ़ी खुशी से इस रिवर के पास घूम रहा था। काफ़ी लोग थे आसपास जिन्होंने इस हादसे को देखा, पर वार्निंग के चलते कपल को बचा नहीं पाए। कपल के पैरों तले अचानक से पानी बढ़ गया और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे पानी ने कपल को खींच लिया। अगला हादसा 2010 में हुआ, जब एक जवान लड़का फोटोज खिंचवा रहा था और अचानक से उसका पैर फिसल गया। उसके बाद वो पानी में डूबकर गायब हो गया और फिर उस लड़के का कभी कुछ पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये हादसा आज से नहीं हुआ, ना ही 1998 से। सबसे पहले माना जाता है कि ये हादसा आसपास के इलाके में रहने वाले माँ बेटे के साथ हुआ, जिनकी बोल्टन के आसपास की जगह थी। बेटे का नाम विलियम था। 1154 में उस लड़के ने शिकार के कारण ये नदी क्रॉस करने की कोशिश की और फिर उसके बाद वो फिसल कर नदी में गिर गया और वो कभी नहीं मिला। उसकी माँ इस हादसे से बहुत दुखी हो गई थी और उसने आसपास की जमीन साधुओं को दे दी और कहा कि उसके बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाए। बाद में इस नदी को बोल्टन स्ट्रीट नाम दे दिया गया। कई थ्योरीज हैं जो बोल्टन स्ट्रीट को और भी दहशत भरा बनाती हैं। जो आसपास के मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये नदी जितनी ऊपर से शांत है उतनी ही नीचे से खतरनाक। उनका मानना है कि इसके नीचे कई खाली केव्स हैं, यानी गुफाएं हैं, जो पानी से भरी हैं, जिसमें जानवर रहते हैं। इंसान को केव की ओर जानवर खींचते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। वहीं कुछ मानते हैं कि केव के अंदर नेगेटिव पावर्स हैं जो इस नदी के आसपास आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव की एक लड़की ने यहाँ एक सुंदर घोड़ा देखा जो पानी में से निकला था और वो नदी के उस पार चला गया था। उस लड़की ने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया और उस घोड़े को ढूंढने के लिए नदी पार करने की कोशिश की और वो लड़की भी इस नदी का शिकार हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि विलियम की ही है। उसकी माँ को वक्त रहते ही पता चल गया था कि विलियम की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए उसकी माँ ने आसपास की सारी जमीन साधुओं को दे दी और ये प्रार्थना की कि विलियम की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाए। ये सब बातें आसपास के लोग मानते हैं, पर अब जानते हैं कि साइंस क्या मानता है बोल्टन स्ट्रीट के बारे में। साइंस ये थ्योरी देता है कि क्योंकि ये नदी गहरी है, इसके नीचे केव तो है ही और केव में डेड बॉडी जाने के कारण उसे वाटर एनिमल खा जाते हैं और केव के अंदर डेड बॉडी ऐसे जाती है कि कोई भी इंसान जब इसमें गिरता है तो पानी के तेज धार की वजह से वो पहाड़ों से टकरा जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी पानी में समा जाती है।
बोल्टन स्ट्रीट के पास जाना अब एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि कोई ना कोई कारण से ये इंसानों को अपने अंदर खींच ही लेता है। इसलिए बोल्टन स्ट्रीट से पहले एक सावधानी चेतावनी भरा बोर्ड है जो बोल्टन स्ट्रीट के पास जाने से सचेत करता है। आपका क्या मानना है इस सुंदर सी शांत सी नदी के बारे में? आपको क्या लगता है इस नदी के रहस्य के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन।